तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि YouTube वीडियोस अपलोड करने का सबसे सही, सुरक्षित और आसान तरीका क्या है, जिसमें से आपकी वीडियोस रैंक भी करेगी, व्यूज भी दबा कर आएंगे, सब्सक्राइबर भी मिलेंगे और आपकी वीडियो रैंक भी करेगी। ठीक है, तो हम चलते हैं। सबसे पहले हम अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद यहाँ पर आप सिंपल सा youtube.com लिख सकते हैं। हमारे पास लोगो है तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। यूट्यूब का सिंपल सा हम आ गए अपने यूट्यूब पेज पर। यहाँ हम इसको थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप साइड पे ले जाएंगे, क्लिक करके डेस्कटॉप मोड पे ऑन करेंगे। आपको यदि नहीं मालूम तो थ्री डॉट पर क्लिक करके डेस्कटॉप साइड कर सकते हैं। सेम ऐसा ही मैन्युफैक्चरर आपके सामने आ जाएगा। हम अपने चैनल के लोगो पर क्लिक करेंगे, देन दूसरा काम यहाँ योर चैनल, इस पर हम क्लिक करते हैं। इसको क्लिक करने के बाद में यूट्यूब स्टूडियो पर क्लिक करेंगे। हम यहाँ से इसलिए बता रहे हैं दोस्तों, यहाँ से आप कई सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, खुलने देते हैं इसको। खुलने के बाद में देखिए कुछ इस तरह का हमारा इंटरफेस आया है। ठीक है, यहाँ से यदि आप वीडियोस को जो अपलोड करेंगे, देखिए तो यहाँ पर जो है आपके चैनल के जो भी मैसेज होगी वो ऊपर शो कर रही होगी। ठीक है, जो ये मैसेज आप देख रहे हैं ब्लू कलर का, ये आपके चैनल के लिए जो यूट्यूब हमें सजेस्ट करता है वो मैसेज होती है। ठीक है, यहाँ पर बता रहा है टू स्टेप वेरिफिकेशन जो है आप सही से लगाइए। ठीक है, तो हम यहाँ चलते हैं वीडियोस की बात करें अपलोड करने की, तो हम और बात नहीं करेंगे। यहाँ पर कैमरे का सिंबल बना हुआ है, क्रिएट लिखा हुआ है, हम इस पर सिंपल क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर अपलोड वीडियो से गो लाइव है, क्रिएट पोस्ट है। ठीक है, तो हम यहाँ पर वीडियोज़ की बात करें तो अपलोड वीडियो पर क्लिक करेंगे, चलने देंगे इसको। इंटरफेस खुल के हमारे पास सामने आ चुका है दोस्तों। ठीक है, अपलोड वीडियोस का आप यहां देख सकते हैं। यहां से हम करेंगे सिलेक्ट फाइल्स, अपनी फाइल सिलेक्ट करते हैं यहां पर, जो वीडियोस हमको अपलोड करना है। ठीक है, तो वीडियोस हमारी ये है दोस्तों, हम इस पर सिलेक्ट करते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों यहाँ पर इसका इंटरफेस। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है बताया जा रहा है, सॉरी कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही शायद। यहाँ पर आप टाइटल डाल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। ठीक है, टाइटल डिस्क्रिप्शन हो गया, इसको डालने के बाद में आप नेक्स्ट कर देंगे। तो नेक्स्ट करने के लिए हम पहले वापस चलते हैं, यहाँ से भी डाल सकते हैं और एक तरीका मैं और बताऊंगा, वहाँ से भी डाल सकते हैं। तो सेम मतलब मामला है, लेकिन मान के चलो यहाँ से डालने में और वहाँ से डालने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपकी वीडियोस का जो URL है दोस्तों ये बन चुका है यहाँ पर। हम यहाँ से सिंपल से इसको नेक्स्ट कर देते हैं और दूसरा जो है उसको वो तरीका हम बताएंगे, वो इससे बेहतर है। ठीक है, नेक्स्ट कर देते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आइस के क्या बोलते हैं आई बटन में कोई वीडियोज़ वगैरह आप लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं, नहीं तो हम नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पर एलिजिबिलिटी देख सकते हैं आप, यहाँ पर आप अपनी वीडियोस को जो है पब्लिक रख सकते हैं, अनलिस्टेड कर सकते हैं, प्राइवेट कर सकते हैं, तो आप जो चाहें उस पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इस वीडियोस को यहाँ पर अनलिस्टेड करके रखता हूँ। मैंने क्लिक कर दिया अनलिस्टेड पे और मैंने फिर से सेव कर दिया। सेव करने के बाद दोस्तों देखिए हमारी वीडियोज़ अपलोड हो रही है एकदम जेन्युइन तरीका। ठीक है, ये देखिए ये हमारी वीडियो अपलोड हो रही है, तो नेट स्लो होने की वजह से 25 मिनट मांग रहा है। ठीक है, तो जब तक हम इसको लोड होने देते हैं वीडियो को पोस्ट कर देते हैं यहाँ पर, और जो आगे मतलब इसके बाद में जो वीडियो हम स्टार्ट करेंगे वहाँ से हम बताएंगे टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन और थंबनेल वगैरह जो है हम वहाँ से कैसे लगाते हैं। टैग, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल वगैरह और अपलोड डिवाइस जो भी सेटिंग्स हैं उसको बारीकी से हम आपको आगे चल के बताते हैं। तब तक के इसलिए इस वीडियोज़ को हम यहाँ पर पोस्ट कर देते हैं। ठीक है, इस वीडियोज़ को हमने रोक दिया है और इसको हम अपलोड होने देते हैं। यहाँ पर 90% जो है हमारी वीडियोस अपलोड हो चुकी है। चलिए कुछ और बात करते हैं जब तक। तो दोस्तों अब जहाँ से हम टाइटल और टैग डिस्क्रिप्शन डालेंगे वो जो है बहुत इंपॉर्टेंट जरिया है, वहाँ से आपके वीडियोस का जो है रैंकिंग बढ़ जाती है। ठीक है, और वहाँ से आप अपने वीडियोज़ के रैंकिंग और सर्चिंग
हर एक चीज़ वहाँ से बारीकी से चेक कर पाएंगे, ठीक है, कि आपकी वीडियोस पे कितना वॉच टाइम आ रहा है, कितने लोगों को सजेस्ट की गई है वीडियोस आपकी, ठीक है, अगर काम कर सकेंगे तो अब यहाँ से फिर हम सीधा वहीं चलते हैं जहाँ से हम टैग टाइटल डिस्क्रिप्शन सब लगाना जानेंगे। उसके बाद में एनालिटिक्स भी वहाँ से देख पाएंगे, ठीक है, ओवरव्यू देख पाएंगे अपनी वीडियोज़ का, ठीक है। तो अब चलते हैं सीधा वहीं से, अब यहाँ से हम इसको क्लोज़ कर देते हैं सिंपल सा, इसको हमने क्लोज़ कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से सिंपल सा हम बैक हो जाते हैं। तो दोस्तों हम आ गए, ठीक है, अपने होम स्क्रीन पे। यहाँ पर हम वाई टी स्टूडियो को सिलेक्ट करेंगे, ये हमारा चैनल खुल गया, ठीक है, और ये रही वो हमारी वीडियोस, ठीक है। हम इस वीडियोस पर एक बार टैप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ जो है सारा फंडा दोस्तों यहीं पर आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पेन का आइकन है इस पर हम सिंपल सा क्लिक कर देते हैं एक बार। क्लिक करने के बाद में ये खुलकर आ गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर देखिए कुछ हमने जो है यहाँ पर टैग लगा रखे हैं, लेकिन फिर भी हम सब कुछ यहाँ बताने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ पर टाइटल पर एक बार क्लिक करेंगे, टाइटल यहाँ पर हम अपना टाइटल डालेंगे, यहाँ पर हमने अपना टाइटल जो है लिख लिया, ठीक है दोस्तों। यूट्यूब चैनल से कैसे यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं मोबाइल से, ठीक है, ये हो गया हमारा टाइटल। अब इसके बाद में नंबर आता है हमारा जो है प्लेलिस्ट में, यदि आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं यहाँ पर टैग का, ठीक है। तो अब हम टैग ऐड कर देते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों हमने अपने ज़रूरत के मुताबिक यहाँ पर कुछ टैग हिंदी और इंग्लिश के मिला के लगा दिए हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ से कुछ टैग हमने लगा दिए हैं। उसके बाद में यहाँ पर सिंपल सा हम कॉमा लगा देते हैं, ये हमारा टैग कंप्लीट हो गया, ठीक है, और टैग कंप्लीट हो गया। उसके बाद में जो है यहाँ पर हम अपना टाइटल लिख ही चुके हैं पहले से, और यहाँ एडिट ये थंबनेल पर क्लिक करेंगे एक बार। देखिए कुछ थंबनेल यहाँ पर ऑटोमेटिक इसने मतलब वो सेलेक्ट कर रखे हैं, ठीक है, आप कस्टम थंबनेल पे आप थंबनेल अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ कस्टम पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर जो है आप कोई भी कस्टम थंबनेल सेलेक्ट कर सकते हैं, इसलिए हम अभी बनाए नहीं थंबनेल, तो हम बाद में अपलोड करेंगे। यहाँ से सिंपल सा कैंसिल कर देते हैं इसको, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में क्या करना है दोस्तों, ठीक है, अब इसके बाद में एक काम करना है आपको, एडवांस सेटिंग, यहाँ देखिए एडवांस सेटिंग में आइए, ठीक है। उसके बाद में देखिए आपकी कैटेगरी क्या है, तो सबसे पहले कैटेगरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी है हमारी, तो हम इसको लगा के रखते हैं। अलाउ कमेंट अलाउ करके रखेंगे, आप डिस्क्रिप्शन अलाउ करके रखेंगे, वीडियोस डिलीट करना है तो आप यहां से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम इस सब कुछ कंप्लीट हो गया है हमारा, तो अब हम इस वीडियोस को तो यहीं पर हम सेव कर देते हैं। तो सेव करने से पहले आप देखिए यहां पर लिखा है अनलिस्टेड, तो आप इस पर क्लिक करके आप पब्लिक करके इस वीडियो को सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अभी इसको अनलिस्टेड ही रखेंगे और इसको हम सेव कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने अभी थंबनेल नहीं बनाया, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है YouTube चैनल कैसे बनाएं मोबाइल से, ठीक है, ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब यहाँ देखिए रियल टाइम व्यूज़ हमारे ज़ीरो दिखा रहा है, ठीक है। अब जब हमारी वीडियोस अपलोड हो जाएगी उसके बाद में जो है रियल टाइम व्यूज़ ये दिखाएगा, देखिए यहाँ पर नो डाटा, ठीक है। अब कितने लोगों ने देखा, कितना टाइम चला है, वो सब ये बाद में क्लियर कर देगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं अपने चैनल पर यूट्यूब से रिलेटेड लाता रहूँगा, ठीक है। तो आप चैनल पर भरोसा कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और उसके बाद में वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि वीडियोज़ बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।